जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के उपस्थित हूँ। और आज मैं बड़ा रोचक विषय लेकर आया हूँ। विषय ये है कि अगर किराएदार मकान खाली न करें तो उसके लिए क्या उपाय करें। मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। होता क्या है कि हम दो पैसे की इनकम के लिए किराए पर मकान देते हैं। अब किराएदार कुछ दिन रहने के पश्चात उस पर अपना हक जताने लगे तो वैसी स्थिति में उसे बाहर करना ही एक रास्ता होता है। या फिर वे झगड़ा कलह कलेश मचाए रहे या हमारे लिए किसी तरह की फांस बन जाए तो ऐसे किराएदारों को हटा देना ही उचित होता है। अब आपके लाख प्रयासों के बावजूद अगर आप किराएदारों को नहीं हटा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अब गिनती आती है उपायों की। ये उपाय ऐसे अस्त्र होते हैं कि ना कानून की ज़रूरत है, ना कोर्ट कचहरी की ज़रूरत है, ना पुलिस थाने की ज़रूरत है। बैठे बिठाए आपका काम हो जाना है और धीरे धीरे उस किराएदार का दिमाग बदल जाएगा और वो आपके अनुकूल हो करके शीघ्र ही आपका मकान छोड़ करके चला जाएगा। तो फिर चलिए हम वो उपाय जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। तो मैं आज आपको दो उपाय और एक टोटका बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, दो उपाय और एक टोटका। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय मैं आपको ये बतलाता हूँ कि देखिए, जब भी जीवन में कभी कोई समस्या आती है ना, तो सबसे पहले जो हमारे गार्जियन होते हैं, मुख्य अभिभावक और सर्वशक्तिमान होते हैं, वो होते हैं हमारे कुल देवता। वे सबसे बड़े मुखिया है, उनके बाद ही पितृदेवताओं का नंबर आता है। तो जब हमारे जीवन में कोई समस्या आई है ना, तो सबसे पहले हमें अपने कुल देवता रूपी मुखिया से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, और मान लीजिए आप बच्चे हैं और कोई दूसरा शैतान बच्चा आपको परेशान कर रहा है और आप रोते हुए घर पर आए, दादाजी से आपने कहा, तो दादाजी उस बच्चे को डांटकर भगा देते हैं, होता है ना ऐसा। उसी प्रकार से हमारे मुखिया रूपी जो कुल देवता हैं, वे जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स से बड़े आराम से निपट लेते हैं और वे सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होते हैं। तो आपको एक बार उनसे कहना चाहिए। इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या तरीका? एक दिया लीजिए, शुद्ध घी, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और किसी भी सोमवार से आपको ये शुरू करना है तो आपको अपने पूजा स्थल के किसी साफ सुथरे कोने में बैठ जाइए। अब वो दिया तैयार कीजिए और एक कागज़ पर अपने उस किराएदार का नाम लिखिए। उस कागज़ पर लिखे हुए किराएदार के नाम के ऊपर ही वो दिया आपको रखना है कुल देवता कुल देवी के नाम से। अब जब आप दिया रख लें तो कुल देवता कुल देवी से आप प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल देवता कुल देवी, मैं अमुक व्यक्ति, आपका सुपुत्र, आपकी संतान, आपका वंशज, आपकी शरण में आया हूँ। अमुक नाम का जो किराएदार है, जिसकी पर्ची मैंने लगा रखी है, वो मकान नहीं छोड़ रहा है, कृपा कीजिए और उसको जल्दी से यहाँ से भगाइए। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है और निश्चित समय पर दिया जलाना है। ठीक है, आप करके देखिए, बहुत कारगर उपाय है, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। दूसरा उपाय, जैसा कि मैंने कहा था, दो उपाय और एक टोटका है। दूसरा उपाय ये है कि आप उस व्यक्ति की फ़ोटो किसी तरह प्राप्त कर लें, मोबाइल में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रतिदिन संध्या के समय, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या 12 बजे के आसपास, या शाम की संध्या सूर्यास्त के टाइम, पंचांग में देख लीजिएगा प्रतिदिन, और रात्रि में सोने से पहले प्रतिदिन 3 से 4 बार उसकी फ़ोटो में उसकी आँखों को एक टक देखते हुए 4 से 5 बार आप बोले कि मेरा मकान छोड़कर चले जाओ, मेरा मकान छोड़कर चले जाओ। ऐसा आप प्रतिदिन करना शुरू करें 3 से 4 बार, पक्का इसका असर पड़ेगा। ये सम्मोहन विद्या का एक छोटा सा अंश है। ये बहुत कारगर उपाय है, मैंने किया है और मुझे परिणाम मिले हैं। मैंने किसी और संदर्भ में किया था लेकिन परिणाम मिले हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए आप। तीसरा उपाय क्या है कि किसी शनिवार के दिन एक भोजपत्र पर लाल चंदन से, अनार की लकड़ी के सहयोग से, उस किराएदार का नाम लिखें और उस भोजपत्र को सूखने के बाद शहद की शीशी में आप डाल दें। बस जैसे जैसे दिन बीतेगा, शहद की मिठास उस व्यक्ति के अंदर भरती जाएगी और वो आपके वशीभूत होता जाएगा, और फिर आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। ठीक है मित्रों, तो हो गई आपकी समस्या का समाधान। अब आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।